हे गाइस, वेलकम एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल स्टाइलिश ब्यूटीफुली। सो गाइस, बिग बॉस के बाद मनीषा रानी आज पहुंची है जिम और उन्होंने मीडिया से काफ़ी बातें की, फुकरा इंसान के बारे में, एल्विश यादव के बारे में और सब कुछ शेयर किया। और उनकी बातें सुनते हैं और फुल वीडियो देखें एंड इन्जॉय द वीडियो। मनीषा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो बिग बॉस में सब चीजें हुई अभिषेक के साथ, जो कि पार्शियलिटी हुई मेरे ख्याल से लगता है और जनता के हिसाब से, आपको क्या लगता है अभिषेक के साथ पार्शियलिटी हुई? क्योंकि पूजा भट्ट से उनका जो मतभेद था और जो इनकी जो सोच विचारों में जो मतभेद था, और पूजा ने भी बहुत कुछ कहा, अभिषेक ने भी बहुत कहा, उसका हरियाणा तो कहीं अभिषेक को भूलना नहीं पड़ा इसके लिए? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। एल्विस जीता तो एल्विस को लोग बाहर बहुत पसंद कर रहे थे, नो डाउट। अभिषेक बहुत अच्छा खेला और वो ऑलरेडी विनर है क्योंकि उन्होंने बहुत लोगों का दिल जीता। बट एल्विस भी बहुत अच्छा था, तो अगर वो जीता है तो इसमें आई डोंट थिंक कि बिग बॉस ने 70 दिन के लिए नहीं करूंगा। 70 दिन बाद जा रहा, 70 दिन बाद मिस करूंगा। वापस जब मुंबई शहर बुला रहे थे, क्या बिग बॉस 17 में भी आपका जाने का इरादा है या ऑलरेडी आपको? भाई फोटो